बहुत अरसे हमने जो कुर्बानी की खाले हैं हमने उनको इस तरह ही ट्रीट किया कि बस साथ वाले किसी को दे दो, ये बंदा मुझे ट्रस्टवर्दी लगता है, या किसी इदारे को दे दो ताकि बस कम से कम खाल घर पे ना हो। तो हम ज़्यादातर कहते हैं बस ठीक है, अगर मैं दे रहा हूँ एक अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, एक अच्छी नीयत के साथ दे रहा हूँ, उसके बाद किधर जा रही है उसका मुझसे कोई गर्ज नहीं है। और ग्रुप्स इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड ग्रुप्स आर वेरी स्मार्ट विद दिस, दे नो व्हाट सेंटिमेंट्स टू यूज़, दे नो के पब्लिक ज़्यादा इन चीज़ों पर इंक्वायर नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, दे जस्ट वॉन्ट टू गिव द मनी एंड देन बी डन विद इट। कुर्बानी की खालों का जो फिनोमिनन है उसकी एक पूरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर, ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। बहुत बार हम बग़ैर सोचे समझे जो है खाले दे देते हैं किसी को, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। अगर आप सिर्फ स्टडीज़ उठाएं, मिसाल के तौर पे 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि तकरीबन कोई 400 अरब रुपये सिर्फ जानवरों की खालों से जो है जनरेट हो रहा है पैसा, और ये सिर्फ उन खालों की वैल्यू है। बाद में उन खालों की जो एडिशनल वैल्यू है उसकी बात नहीं की जाती। मिसाल के तौर पे जो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो है लेदर्स की, या टैनरी जिसको कहते हैं, और टैनरी जो है वो पाकिस्तान की top 3 या top 4 एक्सपोर्ट्स में से आती हैं। तो इट्स अ ह्यूज $multi-million इंडस्ट्री दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान फ्रॉम एनिमल हाइड्स अमंग अदर थिंग्स अलोन। जब हम बात करते हैं कि इसका मिसयूज़ किस तरह होता है, क्यों होता है, ये आपको दो पहलुओं से समझना पड़ेगा। जब भी हम बात करते हैं ज़कात की या फितराने की या सदकात की, हम हमेशा बात करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, यानी कि अल्लाह के लिए। तो हमने अपनी जितनी भी इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी, हमने सारी की सारी इंटेंट पे छोड़ दी है। तो हम ज़्यादातर कहते हैं बस ठीक है, अगर मैं दे रहा हूँ एक अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, एक अच्छी नीयत के साथ दे रहा हूँ, उसके बाद किधर जा रही है उसका मुझसे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जब आप नहीं जांच पड़ताल करते, बहुत बार वो रकूम जो है वो गलत हाथों में जाती है, और ग्रुप्स इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड ग्रुप्स आर वेरी स्मार्ट विद दिस, दे नो व्हाट सेंटिमेंट्स टू यूज़, दे नो के पब्लिक ज़्यादा इन चीज़ों पर इंक्वायर नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, दे जस्ट वॉन्ट टू गिव द मनी एंड देन बी डन विद इट। बहुत अरसे हमने जो कुर्बानी की खाले हैं हमने उनको इस तरह ही ट्रीट किया कि बस साथ वाले किसी को दे दो, ये बंदा मुझे ट्रस्टवर्दी लगता है, या किसी इदारे को दे दो ताकि बस कम से कम खाल घर पे ना हो। अगर आप देखें कि ज़कात की क्या क्राइटेरिया हैं देने के, आपको कुरान में बहुत एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नज़र आएगा कि आपने कौन इसका मुस्तहक है, चाहे वो यतीम हो, चाहे वो बेवा हो, सो एंड सो फॉर्थ। फिर ये भी बताया गया कि आपने किस तरह इंक्वायर करना है, आपने किसी के पास जाना है, आपने उसके इर्द गिर्द के हालात देखने हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस जो बंदा मुस्तहक है मांगे ना, लेकिन उसको ज़रूरत ज़रूर हो। ये वो सारे क्राइटेरिया हैं जो बड़े स्ट्रिंजेंट बनाए गए हैं, और एक वजह से स्ट्रिंजेंट बनाए गए हैं क्योंकि ज़कात एक एंडेवर है जिस पे आपको मेहनत करने की कोशिश करनी होती है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू फाइंड समवन हु इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ दिस। आप इस सिचुएशन में लापरवाही नहीं कर सकते। कुछ साल पहले बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ की वजह से हमें बहुत सारी रेगुलेशंस जो है इम्पोज करनी पड़ी, तो उन रेगुलेशंस का फ़ायदा यह हुआ है कि बहुत सारे जो ऐसे इदारे थे उनको ब्लॉक किया गया, उनकी रिलीफ एक्टिविटीज़ को ब्लॉक किया गया, चैरिटीज़ को स्पेसिफिक तरीके से रजिस्टर किया गया, और ये रजिस्ट्रेशन जो है ये प्रोविंशियल लेवल पे भी होती है और फेडरल लेवल पे भी होती है, और उसके थ्रू बहुत सारे जो ये इदारे थे जो चंदा इकट्ठा कर रहे थे और ओपनली इकट्ठा कर रहे थे, उनको मजबूरन बैकफुट पर जाना पड़ गया। सो इट हैज़ बीन अ बिग ब्लो टू देम फाइनेंशियली एज वेल। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारी आगाही की कैंपेन्स भी चलाई हैं। एक कैंपेन जिसका मैं हिस्सा था हक हकदार तक है, जो 2014 से चल रही है, स्पेसिफिकली टू सेंसिटाइज एंड एजुकेट पीपल के जो ज़कात खैरात फितराना आप दे रहे हैं आप सही हाथों में दें, क्योंकि बहुत बार ये रकूम गलत हाथों में जा सकती है और उससे आपकी अपनी बर्बादी ही आ सकती है। साथ साथ उसके
इन्फोर्समेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन के बगैर बिल्कुल नाकाम रहती है. और स्पेशली इन द लास्ट 3-4 ईयर्स बहुत सारे जो ऐसे इदारे हैं वो जो हैं उनको मजबूरन अपनी ऑपरेशंस जो है बंद करने पड़े हैं, क्योंकि वो अब ओपनली इन चीज़ों को अपनी रिलीफ एफर्ट्स को या अपने चैरिटी एफर्ट्स को पब्लिसाइज नहीं करते. सो इस रोकथाम से ये ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि आपकी जो चैरिटी के जो पैसे थे, जो एनिमल हाइड्स या स्किन्स थी, वो एक्सप्लॉयट होनी बंद होगी. इसका एक और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ है. अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये है कि पहले हम ये सोचते थे कि हमारी नीयत अच्छी है, बस हम जो है ये खाल किसी को दे देते हैं. अब हम ये सोच रहे हैं कि यार ये खाल शायद गलत हाथों में ना जाए, चलो इसको ज़ाया ही कर दो. ज़ाया करना भी एक नुकसान होता है, क्योंकि फिर वो जो 400 अरब रुपए हैं वो मुस्तहक इदारों को नहीं जा रहे. आपका जो मुल्क है वो सिर्फ डेवलपमेंट बजट पे नहीं चल रहा, बहुत सारा जो आपका मुल्क है चैरिटी और फिलैंथ्रोपी की बेसिस पे चल रहा है. वो एफर्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं वंस अगेन, क्योंकि आपने बगैर सोचे समझे भी लापरवाही दिखाई है, लेकिन आपने सोच के डरने की वजह से एक और किस्म की लापरवाही भी दिखाई है. सो मेरा पैगाम लोगों से यही होगा कि अगर आपने किसी को खाल देनी है जानवर की, तो आप प्लीज़ जांच पड़ताल ज़रूर करें. उसको ये ना समझे कि बस मैंने इसको अपने घर से निकालना है या बस मैंने किसी को देना है, फिर उसके बाद मेरा फ़र्ज़ जो है वो ख़त्म हो गया. आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ मुस्लिम एंड एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री टू गिव इट टू दोज दैट डिज़र्व इट. The other thing जो मुझे लगता है कि बहुत एक मिसअंडरस्टैंड की जाती है बात, कि खालें जानी किसको चाहिए. ज़कात की तो हमने बात कर ली है, लेकिन हम मुस्तहक की जब बात करते हैं, बहुत सारे आपको ऐसे फलाही इदारे नज़र आएंगे जो ओपनली एडवर्टाइज़ भी करते हैं टेलीविज़न वगैरह पे. तो सदका फितराना जो है वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो आप किसी भी इदारे को दे सकते हैं. लेकिन एक जो चीज़ बहुत मिसअंडरस्टैंड की जाती है वो ये है कि ज़कात जो है वो एक फ़र्द वाहिद को जाती है. ज़कात कैन नॉट गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन. बहुत बार इदारे इस चीज़ को एक्सप्लॉयट करते हैं या वो इस चीज़ को कवर ही नहीं करते. अगर कोई बंदा पूछे कि अच्छा भाई किसको जा रहे हैं, तो वो आपको एक पर्ची पकड़ा देंगे और उस पर्ची पे लिखा होगा कि जी आपके जो ये पैसे हैं वो इस बच्चे के, इस कमरे के, इस बिस्तर की चादर के लिए इस्तेमाल हुए, लेकिन आप ख़ुद नहीं गए चेक करने के लिए, आपने रिलाई किया है इदारे के ऊपर. And that is against the rules of giving zakat. It is not enough to just trust someone who tells you something. Aapko khud bhi jo hai thodi si jaanch padtaal karne ki zarurat hai. Sabse pehle cheez hame samajhne ki ye zarurat hai ki hum apni zimmedari se la taluq nahi ho sakte. We have to recognize that this is an obligation for us. This is not just something we are doing because we are good people. This is part of your religious duty to take care of these things properly and with intelligence. Dusri cheez wo ye hai ki aap please zimmedari le ki aapne is khal ko sahi haathon mein pahunchana hai. Teesri cheez, aap please inquire kare ki kaun se wo idare hain jo mustahik hain. Wo idare necessarily wo wale nahi hain jo aap TV pe ads dekhte hue aapko nazar aayenge. Ye aapke local गांव में या नेबरहुड में भी ऐसे फ़लाई इदारे आपको नज़र आएंगे. शहरों में आपके इर्द गिर्द आपके नेबरहुड्स में आपको ऐसे फ़लाई इदारे नज़र आएंगे. आपको शायद ऐसे मदरसे नज़र आएँ, ऐसे स्कूल नज़र आएँ, ऐसे हॉस्पिटल नज़र आएँ जो इस किस्म का अच्छा काम करें. आप उनको भी जो है चैरिटी दिया करें. चौथी चीज़, जब हम बात करते हैं जानवरों की खाले देने के लिए, सिर्फ इसके मुस्तहक जो है वो मजहबी इदारे नहीं है, किसी भी किस्म का फ़लाई इदारा जो है वो इसका मुस्तहक है. दैट मीन्स एनीबडी वर्किंग फॉर एजुकेशन, anybody working for healthcare, just like hospital hai, anyone working for the benefit of the poor and the needy, they are all worthy of being given this money. It's not just religious organizations alone. Ye ek bahut badi galat fehmi hai jisko hame nikalne ki zarurat hai. To please in khalon ko zaya na kare, in khalon ko sahi haathon mein pahunchaye, because that is your religious duty as well as your duty as a Pakistani. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. सो इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कॉन्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.